हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे हो और अपना टाइम से पढ़ रहे हो और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हो। तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर सामान्य ज्ञान, यानी शॉर्ट फॉर्म GK जर्नल नॉलेज। जो मैं आपको यहाँ पर ये प्रश्न कराऊंगी क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये आपको मतलब कि सामान्य ज्ञान है, नॉलेज आपको इनकी होनी ही चाहिए। बिल्कुल एक एक वर्ड के ही आंसर है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसके साथ मैं जो आपको सिखा रही हूँ ना, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको रीड करके बताऊंगी, और आपको साथ ही साथ क्या करना है पता है, ध्यान से सुनना है। आप सुनोगे ध्यान से तो आपको तुरंत सुनने से भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़े आंसर है नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे ही है। और आप, मैं यही आशा करूंगी कि आप लास्ट तक इसके साथ बने रहेंगे और कुछ यहाँ से सीख कर जरूर जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करें। हमारा यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है, शरीर के किस अंग से आप देखते हो। अब जो आपकी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें से आप किस भाग से इस जो मतलब कि हर एक चीज को देखते हो, किस चीज से देखते हो। तो यहां पर आपको इजीली पता है कि आप आंखों से देखते हो, आई से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सेब का रंग सेब किस रंग का होता है। तो यहां पर सेब आपने देखा होगा लाल रंग का देखा है, लेकिन जो सेब है, अगर बाहर जैसे पूरे वर्ल्ड वाइज पूछा जाए तो अलग अलग तरह के भी सेब होते हैं, जैसे येलो, ब्लैक, ग्रीन, लेकिन हमने मोस्टली क्या किया है, हमने सिर्फ लाल और ग्रीन ही सेब देखे हैं यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र में दिखने वाला जानवर कौन सा है। अब आप देख सकते हो चित्र आपके सामने है, तो ये कौन सा जानवर है ये पूछा गया है। तो ये आपको पता है क्या है, जल्दी से बताइए क्या है। अभी जो आपने चित्र देखा था वो है बाघ का। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, टाइगर, TIGER, टाइगर, और हिंदी में से बाघ कहेंगे। अगला प्रश्न है, एक साल में कितने दिन होते हैं। अब वन ईयर में पूछा गया है कि कितने दिन होते हैं, पता है आपको, पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। 365 दिन, ठीक है, एक साल के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया में कितने महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप है। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। अगला प्रश्न, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब 1 वीक क्या पूछा गया है कि उसमें कितने डेज वगैरह होते हैं, तो वो बताना है। अगर आपको हिंदी में पूछा जाए तो 7, इंग्लिश में पूछा जाए तो आप बता सकते हो 7 डेज। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो शनिवार आता है। फ्राइडे है ना जो आपका फ्राइडे, उसको उसके बाद पूछा गया, फ्राइडे को क्या कहेंगे, शुक्रवार। तो उसे नेक्स्ट जो डे आता है वो होता है सैटरडे, तो सैटरडे को ही शनिवार कहते हैं। ठीक है, अब आप अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7, जिसे हम इंग्लिश में रेमबो भी बोलते हैं, कहते हैं। तो आप यहां पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, इंद्रधनुष में सभी रंगों के नाम पहचानो। अब आपके सामने जो पिक्चर्स दी गई है किस चीज की है, ये इंद्रधनुष की है। तो आप इसको जल्दी से इनके रंगों को देख लीजिए, 7 रंग होते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको रंग भी बताऊंगी। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, देख लिया कितना सुंदर है रेनबो यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका फर्स्ट जो दिया गया है, वी से वोलेट यानी कि बैंगनी रंग, आई से इंडिगो गहरा नीला रंग, बी से ब्लू नीला रंग, जी से ग्रीन हरा रंग, वाई से येलो यानी पीला रंग, ओ से ऑरेंज यानी कि नारंगी,
आर से रेड यानी कि लाल रंग। तो आपके ये सात जो रंग है वो होते हैं आपके इंद्रधनुष के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सात रंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, ये सारे। अब अगला प्रश्न है, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, जैसे इंग्लिश में आप फ्लैग बोलते हो तो वैसे हिंदी में उसको तिरंगा या फिर हम ध्वज, ठीक है, ये बोलते हैं। तो तिरंगा आप इसको लर्न कर सकते हो। अगला प्रश्न है, तिरंगे के तीनों रंगों को पहचानने के लिए बोलो। अब देखो, आप तिरंगा आपके सामने है, आप इसमें कलर देख रहे हो, रंग, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी आप इसको तिरंगों को देखोगे, ठीक है, आपने देख लिया, तो इसमें तिरंगे के लिए हमें ना सिर्फ तीन रंगों को ही काउंट करते हैं, नारंगी, सफेद, हरा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे से पूछो या किसी से पूछो कि तिरंगे में कितने रंग है, वो ये बताएगा कि तीन है। लेकिन आप देख सकते हो एक अशोक चक्र भी बना हुआ है, उसके अंदर कौन सा रंग है, ब्लू कलर भी है, तो कितने हो जाते, चार। लेकिन यहां पर सिर्फ तीन को ही काउंट किया जाता है। जैसे आप ये केसरिया, सफेद, हरा, ये तीन रंग है उसमें, ठीक है। कौन कौन सा है, केसरिया, सफेद, हरा, हमारे ध्वज के अंदर है ये तीन रंग। अगला प्रश्न, किस रंग को शांति का प्रतीक माना गया है? तो शांति का प्रतीक हमेशा सफेद रंग को माना गया है। किस रंग को माना जाता है, शांति का प्रतीक सफेद रंग को। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? अब इसमें लेटर्स का पूछा गया कि कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो किसी को पता है कितने लेटर्स होते हैं, बता सकता है? जो आपके लेटर्स है वो होते हैं 26 लेटर्स। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, इंग्लिश अल्फाबेट के नाम लिखो। अब यहाँ पर इंग्लिश जो आपको ये पता चल गया कि अल्फाबेट्स आपकी 26 है, अब अगला प्रश्न में पूछा गया कि उन अल्फाबेट्स को आप लिखो, ठीक है। जिसको लिखना आता है, जिसको पहचान है, आप वो लिख सकते हो, और जिन्हें नहीं वो यहाँ से अच्छे से पढ़ लें। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये टोटल आपके A से लेकर Z तक अल्फाबेट्स 26। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, इंग्लिश में स्वर यानी कि वोवल्स और व्यंजन को अलग अलग करिए। अब देखो, जो स्वर है आपके, जो वोवल्स है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। वोवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वोवल्स होते हैं। अब व्यंजन पूछा गया है, बी सी डी एफ G H J K L M N O P Q R S T U V W X U नहीं है, V W X Y Z। तो आप देख सकते हैं, इनको 5 को हटा दो तो स्वर और बाकी सारे आपके व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, साल में कितने महीने होते, सभी के नाम लिखो। अब मंथ्स नेम पूछा गया है। अब आप अगला यही इसी का कि ये जो प्रश्न था ना अभी कि कितने महीने होते हैं उनके नाम लिखो, तो आपके वन ईयर में, जैसे आपको पता है वन ईयर में कितने डेज होते हैं, ये पूछा गया था, तो 365 डेज। अभी आपसे पूछा गया फिर वन वीक में कितने डेज होते, तो 7, ठीक है। अभी आपको मंथ्स पूछा गया तो 12 यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल में, और कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर। अब अगला जो प्रश्न है, साल के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? तो साल के जो सबसे, मतलब कि महीने हैं,
उनमें से एक ऐसा महीना होता है जिसमें कम दिन होते हैं, उसमें 28 या 29 होते हैं बस, बाकी में 30, 31 ये होते हैं, बाकी में बस फरवरी ये ऐसा मंथ होता है जिसमें 28 दिन होते हैं, 29 फरवरी 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है सौर मंडल में कितने ग्रह, तो 7 ग्रह हैं, जैसे 7 हमारे क्या है, देखो मैंने आपको वह बता दिया, जैसे वीक में 7 दिन होते हैं, सौर मंडल में कितने 7 है, हमारी जो नंबर प्लेट्स होती है गाड़ियों वाली वो भी 7 होती है, उसके अलावा जो हमारा रेमबो यानी इंद्रधनुष उसमें भी 7 ही रंग है, उसके अलावा 7 ही अजूबे होते, तो 7 ये 7 7 का चला हुआ है पता नहीं क्या, लेकिन सभी 7 ही 7 होते हैं। अभी आप अगला देख सकते हो, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, तो वो होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, वो होता है जुपिटर। अगला प्रश्न है जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है, अब जंगल का जो किंग होता है उसके बारे में पूछा गया कि कौन होता है, इतने सारे जानवर होते हैं तो उनमें से कौन सा होता है, पता है आपको, बताइए जल्दी। शेर, शेर जंगल का राजा होता है और कोई भी जानवर नहीं होता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो ना हो, क्यूट हो या ठीक है, लेकिन हमेशा शेर ही जंगल का राजा होता है। अगला प्रश्न है एक दिन में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं, अब एक दिन का पूछा गया है तो मैं बता दूं, एक दिन में आपके पास होते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स, ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट्स होती है, 60 मिनट, और एक मिनट में होती है 60 सेकंड। अभी क्या बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हो कि एक दिन में तो होते हैं 24 घंटे, उसके बाद जो एक घंटा होता है ना उसमें होती है 60 मिनट, अभी एक मिनट के अंदर होती है 60 सेकंड, तो आप ये याद रखो घंटे मिनट सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह पूछा है तो बुध ग्रह होता है, मिमिक्री, पहले प्लेटो था लेकिन अब उसे ग्रह नहीं माना जाता, ठीक है, कौन सा था पहले बताओ, अभी तो पता है प्लूटो था लेकिन अभी क्या है, बुध ग्रह। अगला प्रश्न भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है, प्रमुख पूछा गया है नदियां, तो सबसे पहले यहां पर लिखा है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा इत्यादि, बहुत सारी नदियां हैं तो उनमें से कुछ की आपके नाम बताए गए हैं। अगर लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो भारत की तो गंगा है, अगर पूरे वर्ल्ड वाइज पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो नील नदी होती है। अगला प्रश्न चित्र में बनी आकृतियों के नाम बताओ, अभी आकृति पहचानिए कि ये क्या है, आकृति नंबर 1 देख लीजिए क्या है, ये ट्रायंगल है, ये है त्रिभुज, इसकी 3 साइड होती है, अब देख सकते हो 3 साइड होती है, फर्स्ट नंबर पर जो था ट्रायंगल, त्रिभुज और अब ये क्या है रेक्टेंगल, ठीक है आयत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, फ्रॉग बेबी ने पूछा गया है, जो मेंढक आप देखते हो तो उनको उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको टेडपोल कहते हैं, जो कोई भी चाहे एनिमल्स ले लो चाहे इंसान ले लो उनके जो बेबी होते हैं ना उनको अलग से, जैसे कैट का हो गया, किटी, डॉग का, पपी, ठीक है, इंसान को लगा तो बेबी बोलते, तो काल, इस तरीके से बहुत सारे कब बच्चों के अलग उनके नाम होते हैं, तो इसका टेडपोल। अगला प्रश्न शहद
कहां से मिलता है? प्रश्न सुनिए ध्यान से, शहद कहां से मिलता है? तो कहां से मिलता है? मधुमक्खियों के छत्ते से। मधुमक्खी जो होती है ना काटती भी है, याद रखना, ऐसे ही वो भी शहद नहीं दे देती क्योंकि वो भी तो मेहनत करती है ना और अपना शहद इकट्ठा करती है, तो आसानी से कैसे वो अपना शहद दे दे। इसीलिए आराम से आपको शहद चाहिए तो आप उनका मतलब कि ज्यादा उनको परेशान ना करते हुए आराम से उनसे शहद ले लें। अब है अगला प्रश्न, देश के प्रधानमंत्री का नाम। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री है वो है श्री नरेंद्र मोदी, इसमें ठीक है, अभी प्रेजेंट जो है वही है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो शरीर में बोन्स पूछा गया, हड्डियां कितनी होती है, तो ये याद रखना कि 206 हड्डियां होती है आपकी बोन्स जो है, 206 हड्डियां शरीर में होती है। अगला प्रश्न है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का प्रयोग किया जाता है? अब जो ट्रेन को रोकने के लिए पता है किस झंडे का प्रयोग किया जाता है, तो लाल झंडे का। जब किसी चीज को रोकना हो, ठीक है, जैसे ट्रेन हो गई, जब इमरजेंसी आती है बस वगैरह, या फिर कोई भी मतलब तो उनको रेड जो झंडा होता है वही दिखाना होता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, नाम बताओ। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, भारत में। अब जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, मूर्ति जो होती है ना, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ है, गुजरात में, और वो गुजरात कहाँ है, भारत में। अब अगला प्रश्न, एलबीडब्ल्यू किस खेल में होता है? तो क्रिकेट में होता है, वो खिलाड़ी को उत दिए जाने का तरीका है क्रिकेट, ये क्रिकेट में इसका प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फूल के बारे में पूछा गया है, अब फूल तो आपने पता नहीं कितने देखे होंगे अपने आसपास, ठीक है, तो लेकिन कमल होता है राष्ट्रीय फूल। कुछ चीजें जो राष्ट्रीय होती है, खाना, मिठाई, मुद्रा, पेड़ पौधे, फल, पक्षी, जानवर, तो वो राष्ट्रीय होते, तो राष्ट्रीय में क्या है, कमल है। अगला जो प्रश्न है वो है, मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? आपने फोन देखा है, आपके पास है भी, ठीक है, घर में, तो क्या कर सकते हो, उस पर जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि कितने नंबर होते हैं, तो 10 नंबर होते हैं फोन में, ठीक है, आपने 1 to 9 तक तो देखा ही है, उसके बाद वो जीरो भी होती है, तो मतलब टोटल सारे मिलाकर 9-10 नंबर होते हैं, आप काउंट करके देखना। अगला जो प्रश्न है वो है, सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है या जो उगता है, तो वो पूर्व दिशा से उगता है। अगला प्रश्न, ये भी आप नोट कर सकते हो कि सूर्य आप देख सूर्य को देखना है, दर्शन है किस साइड से निकलता है और किस साइड छिपता है, ये आप देखना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? राष्ट्रीय त्योहार कौन से पूछा गया, तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, जो कि अभी आने ही वाला है, इनमें से एक कौन से वाला त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार आने वाला है, वो कमेंट करके जल्दी से बताइए आप, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई पूछी गई है, तो बताओ क्या होती है, पता है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज। ये सिर्फ क्रिकेट पिच की बात हो रही है, तो यहाँ पर 22 गज होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, एम्बुलेंस का प्रयोग
किस लिए किया जाता है। एम्बुलेंस जो आपने अपने आसपास देखी हो, कहीं सड़क पर देखी हो, या कभी आप कहीं गए हो, डॉक्टर के पास गए हो, तो वहाँ पर क्या होती है, एम्बुलेंस होती है जो कि हमारी मदद के लिए होती है, मेडिकल जो इमरजेंसी होती है ना उसके लिए होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है भारत की संसद कहाँ स्थित है। तो जो भारत की संसद है वो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ, दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है लंदन किस देश की राजधानी है, तो वो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। अगला जो प्रश्न है वो है धरती की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो ठंडी जगह पूछी जाए तो क्या नाम है, अंटार्कटिक महाद्वीप। ये जो वर्ड है ये अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला जो है, अगला जो प्रश्न है वो है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। अब फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से बताओ अगर पता है तो किसी को। और जो ठंडा रेगिस्तानी का सॉरी भारत में सबसे छोटी ठंडी मतलब कि सबसे ठंडी जगह पूछी गई थी, अंटार्कटिका महाद्वीप है वो। ठीक है, और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, अभी फुटबॉल में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, हॉकी की टीम में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह कहाँ स्थित है, चोटी के बारे में पूछा गया दुनिया में, तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। अगला जो प्रश्न है वो है हम सांस लेते समय और छोड़ते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप सांस लेते हो तो ध्यान से एक बार सांस जब आप ले रहे हो तो देखो आप क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन। एक बार देख कर अच्छे से करके देखो, देखो सांस लेकर देखो नोज से, ये क्या लिया आपने, ऑक्सीजन। अभी जो आप मुंह के द्वारा छोड़ोगे हो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये गैसें होती है ऑक्सीजन जो कि हम सांस के रूप में लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं मुंह से। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यहाँ पर चीन दिया गया है, लेकिन अब चीन नहीं है क्योंकि भारत नंबर वन पर आ चुका है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो नंबर वन पर अभी भारत है। गिजा के पिरामिड की किस देश में स्थित है, पिरामिड पूछा गया तो वो मिस्र में। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आपको इतने सारे मैंने आपको क्या कराए हैं, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना जरूरी है ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सको। ठीक है, ज्ञान होना जरूरी है, तो आपने इतनी अच्छे से यहाँ पर पढ़ा और इनमें से आधे से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस जो है वो लर्न हो गए होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। और आप क्या करना, अब आगे से है ना, आप इसी चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप ऐसी ऐसी और भी नई नई चीज़ें जल्दी से सीख सको। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।